اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز بچوں आपके लिए ये क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर एट का जो ग्रामर है एक्सरसाइज पोर्शन है जिसमें आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. जिसमें क्या होता है एज वी नो, जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो तो आप जानते होंगे, नहीं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एज वी नो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. एंड दे आर, वो क्या है, डिक्लेरेटिव, एसर्टिव होता है जिसमें कोई ऐलान किया जा रहा होता है, इंटरोगेटिव होता है जिसमें आपको कोई क्वेश्चन किया जा रहा होता है, इंपरेटिव होता है जिसमें आपको कोई ऑर्डर कमांड दिया जा रहा होता है, रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है, और एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें आप वी शो द सडन बर्स्ट ऑफ ए फीलिंग और एक्साइटमेंट शो करते हैं. तो यहाँ पे इसको अगर मैं उर्दू में लिखूँ क्या होता है, तो इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो ये होता है, आप बोल सकते हो इसको एलानिया जुमले बोलते हैं उर्दू में. एलानिया यानी कुछ ऐलान कर रहा है. देखो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड, दिस इज द टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन विच यू हैव बीन ऑलवेज आस्क्ड अ क्वेश्चन. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. इंपरेटिव वर्ड क्या होता है, इसमें होता है यानी इसमें हुक्मिया, अगर उर्दू में लिखा जाए तो हुक्मिया जुमले कहते हैं, जिसमें आपको कोई हुक्म वगैरह दिया हो जाता है. इसमें हालांकि रिक्वेस्ट भी होता है, तो कमांड रिक्वेस्ट वगैरह. एक्सक्लेमेटरी होता है, यहाँ क्या होता है, वी शो द एक्साइटमेंट ऑफ ए पर्सन, हम यहाँ पे एक्साइटमेंट शो करते हैं यहाँ पे. ठीक है, एक्साइटमेंट, ठीक है, यानी कुछ द सडन बर्स्ट ऑफ ए फीलिंग, एकदम से बहुत खुश हो जाना, बहुत दुखी हो जाना, तो ये कहते हैं, उसको कहते हैं एक्साइटमेंट. तो पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए चंद सेंटेंसेस. देखो एसर्टिव डिक्लेरेटिव में क्या लिखा हुआ है. पहला लिखा है आई राइट, इसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, इसमें नेगेटिव भी होता है. पॉजिटिव वाला देखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. पॉजिटिव देखो, आई राइट, मैं लिखता हूँ. फिर लिखा है आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ, तो नेगेटिव हो गया. जब ये लिखते हैं, अगर यहाँ पे इसको, अगर आपने आपने ग्रामर वाला पढ़ा होगा तो मैंने आपको पहले ही ये वाला सिखाया था, आई वी यू यू, ये बहुत काम की चीज है, मैंने बोला था ही शी इट वगैरह, और जो दे वाला पोर्शन था ये पढ़ना था आपको, क्लास पहले ग्रामर दिया हुआ है. तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ही लिखता तो यहाँ पे ही राइट्स होता, फिनिट नॉन फिनिट वर्ब वाला चक्कर आ जाता, ये फिनिट वर्ब है. तो अगर मैं इसको नेगेटिव करता तो ही डज नॉट राइट होता, देखो डू के साथ नहीं होता, डज नॉट होता और राइट होता. ठीक है, यहाँ पे एस नहीं लगता क्योंकि एस को माते थी के तांस दे, सॉरी यहाँ पे डू के साथ लगाया है, तो ये होता है. देखो ए वर्ब, इसी तरह मैंने बोला था आपको कि ए वर्ब जो होता है, आप एक देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ इसको ही देखें तो इस बात को ही देखें तो एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, देयर आर, देखो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं तो और क्या है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर होते हैं. ठीक है, ठीक है, देयर आर नॉट मोर देन फाइव, फोर सेंटेंसेस आप ये भी कह सकते हो, तो नेगेटिव हो गया. ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या शो करते हैं, एक्शन शो करता है, शोज एक्शन, पहला एक्शन आपको सिखाया था जैसे राइटिंग, पोजेशन आपको बोला था, ये इसमें भी ऐसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, जानबूझकर लिखा है, पोजेशन शो करता है, एन एग्जिस्टेंस शो करता है और किसी का वजूद दिखाता है, जिसमें आई एम ए टीचर, दिस इज ए पेन, दिस इज द बोर्ड. ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं. तो देखिए आप उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द सन हैज, आप देखो पोजेशन शो कर रहा है, द सन इज ऑन लाइट का है, इसी को लिखा है, द अर्थ डज नॉट हैव इट इज ऑन लाइट, आप देखो नेगेटिव कर दिया, नहीं होता इसके, तो इट्स ऑन लाइट. इंडिया हैज देखो 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, आप बोलते जाए, इसमें ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव एसर्टिव सेंटेंसेस जिसमें आप किसी चीज का ऐलान करते रहते हैं. आप इसको और बढ़ा सकते हो, वी हैव सो मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इन मैथ्स, या आप कुछ और कहो, कुछ भी कहो, खींचते जाओ जितना खींचना है आपको. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनता है. एक आपको बोला था, आपको अगर आपने ग्रामर वाला क्लास देखा है तो उसमें मैंने आपको बनाया था हेल्पिंग वर्ब के साथ. हेल्पिंग वर्ब क्या था, आपको बी के डिफरेंट फॉर्म्स बोला था, स्पेशल फॉर्म, स्पेशल वर्ब होता है जिसमें बी, उसकी क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इस तरह से था, वॉज, वॉज, वेयर, ये थे. ठीक है, बीइंग, बीइंग वो भी होता है. उसके बाद आपको बोला था डू के स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, डू स्पेशल है, इसका डज होता है. ठीक है, इसका डिड हो जाता है, ये डू डी डज डिड, जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है. देखो अगर इस क्वेश्चन में यूज करेंगे तो अभी पता चल जाता है. और आपके पास बोला था हैव का होता है, इसको आप चेंज करते हो, हैड और हैज होता है इसका, तो ये है. और दूसरा क्या होता है, आपको अगर आपने ग्रामर फिर कहीं से पढ़ा होगा
तो आपके पास होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो आप क्या कहोगे, आप जैसे कि आप बोल सकते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो ये इंटरोगेटिव नहीं है तो क्या है, ठीक है। हाउ आर यू राइटिंग, आप कैसे लिख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। वुड आई बी एबल टू राइट माई राइटिंग्स ऑन माई बिहाफ ऑन माई सेल्फ, ठीक है, बाई माई सेल्फ, मैं खुद लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, हाँ पूछ सकते हैं। तो इस तरह देखो, अब यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन में चेंज करते हैं, क्वेश्चन तो इसमें क्या है, तो मैं पहले इसी को हेल्पिंग वर्ब वाले को देखो इसको चेंज कर रहा हूँ। तो आई राइट लिखा था, तो मैं इसको क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ डू आई राइट, तो ये क्या मैं लिखता हूँ, क्या पता मुझे आप लिखते हो या नहीं लिखते हो। एक ही डज नॉट राइट लिखा है, आप ही राइट्स लिखा है, तो आप इसको क्वेश्चन में क्या करोगे, डज ही राइट, क्या वो लिखता है, डज ही राइट, आई डोंट नो, हाउ कैन आई नो, आई डोंट लिव विद हिम, मैं तो उसके साथ नहीं रहता हूँ, ये देखो, हाउ कैन आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ, आई डोंट लिव विद हिम, मैं तो उसके साथ नहीं रहता हूँ, ही इज एट हिज होम, वो दादे घर पे है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों डिक्लेयर कर रहा है, कभी मना कर रहा है, कभी क्वेश्चन कर रहा है, तो यही। अब देखो, ए वर्ब शोज एक्शन पोजिशन इन एग्जिस्टेंस, अच्छा वट, अब देखो वट के साथ, वट डज, अब देखो वट डज द वर्ब शो, वट डज द वर्ब शो, आप बता सकते हो कि ये वर्ब क्या शो करता है। सर वी हैव बीन टोल्ड, देखो आप डिक्लेयर कर रहे हो, वी हैव बीन टोल्ड, हमें बताया गया है कि वर्ब शोस एक्शन, बट यू टोल्ड अस, पर आपने हमें बताया कि दे इट शोस टू मोर थिंग्स अदर देन द एक्शन, दैट इज ए पोजिशन इन एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग, आपको बोला था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इंडिया हैज 20, आप देखो हाउ मेनी स्टेट्स इन यूटीज डस इंडिया है, देखो आप देखो हाउ के साथ बना रहा हूं, हाउ मेनी स्टेट्स इन यूटीज, ठीक है, डस इंडिया हैव, डस इंडिया हैव, इंडिया के पास है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा इंटरोगेटिव है। इस तरह से आप हजारों बना सकते हो अगर कोई करना चाहता है तो, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, इंपरेटिव में क्या होता है, ऑर्डर कमांड होता है। आपकी किताब में मैक्सिमम आपको एग्जांपल यही मिलेंगे, देखो आपकी किताब में लिखा होगा थिंग एन आंसर, कौन सोचेगा, यू, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट जो है वो यू शो नहीं किया होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको बोला था ये प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये प्रोनाउन जो है हमेशा हम किसी दूसरे को कमांड देते हैं, जैसे कि इफ समवन नॉक एट द डोर राइट नाउ, कोई नॉक करेगा और एंड ही आस्क मी, देखो क्वेश्चन फिर से इंटरोगेटिव, मैं आई कम इन, तो क्या बोलते हैं, यू कम इन कभी नहीं बोलेंगे, कम इन बोलते हैं हम, सीधे वर्ब का पहला यूज करते हैं, जस्ट गो आउट, जाओ, सीधे गो बोलते हैं हम, तो उसमें यू मिसिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी किताब में देखो आंसर इन डिटेल, कौन आंसर करेगा, यू आंसर, आप आंसर करोगे, आपको बोला है थिंक एन आंसर, सोचो, फिर किसको बोला है, तो इसमें यू नहीं लिखा होता है कभी भी, तो इस ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट भी होता है, जैसे कि आपको अगर कुछ सेंटेंसेस लिखे तो मैं लिखता हूँ राइट योर होमवर्क, अपना होमवर्क लिखो, किसको बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट योर होमवर्क, आप किसको बोल रहा हूँ, इसमें तो यू है नहीं, वो आप तो आ गया पहले ही राइट, तो आपको बोल रहा हूँ राइट योर होमवर्क, ठीक है, जस्ट गेट आउट, बाहर चले जाओ, किसको बोल रहा हूँ, यू गेट आउट, आप बोल रहा हूँ, ठीक है, मसलन गेट आउट बोल रहा हूँ, ठीक है, गेट आउट, आप यहाँ बोल सकते हो कम इन, अंदर आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप और सारे बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो इसके, आपकी किताब में इसमें बहुत सारे दिया होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर ही पोर्शन में लिखा है रीड दिस सेंटेंसेस, आप कौन पढ़ गए, आपको बोल रहा है यू हैव बीन आस्क्ड टू रीड दिस सेंटेंसेस। तो इस तरह आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक है, यहाँ पे डी पार्ट में लिखा हुआ है नो योर वैल्यूज, अरे कौन जानेगा नो योर वैल्यूज किसको बोल रहा है, तो आपको बोला हुआ है, ठीक। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इसमें क्या होता है, आप एक्साइटमेंट शो करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मसलन ब्रावो शाबाश बोल रहे हैं, इसका मतलब है ब्रावो शाबाश, इसमें हमेशा देयर इज ऑलवेज द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन विद दीस सेंटेंसेस, इसको इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, तो ब्रावो वेल डन, बहुत अच्छा की, ठीक है, एक हो गया मसलन इस तरह। मसलन आलस होता है, देखो आलस होता है अफसोस के लिए यूज करते हैं, आलस, आई हैव लॉस्ट, ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी कह सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई फोन, अफसोस मैंने अपना फोन खो दिया, ये कह सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे और ज्यादा नहीं दूंगा, आप सीधे मैं किताब तैयार हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है।
देखिए अब क्या है, आपके बुक में है ये पेज नंबर 93 पे है, 93 पे मैं आपको दिया है ग्रामर। वी नो दैट देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, एक्सप्लेनेटरी, इंपरेटिव एंड इंटरोगेटिव। रीड दिस सेंटेंस, आप सेंटेंस पढ़े। अब आपको देखा फिर से कमांड दे रहा है, कौन पढ़ेगा, आप पढ़ो। वी नीड टू गो टू द रॉकेट, हमें कहाँ जाने की जरूरत पड़ी, रॉकेट की तरफ जाने की जरूरत पड़ी। तो वो डिक्लेयर कर रहा है, ऐलान कर रहा है हमें जाने की जरूरत पड़ गई। दिस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप देखो ये कैसा, इसका एग्जिस्टेंस बता रहा है। इसमें उसने कहा कि हमें जरूरत पड़े, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें आपको इवेंट्स बोला था कि ये इवेंट हुआ उसके साथ। इसके बाद एग्जिस्टेंस है, दिस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट मेक्स ए स्टेटमेंट। देखो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इट मेक्स स्टेटमेंट, और इसका कंडीशन बता रहा है कि इट मेक्स, ये कंप्लीट स्टेटमेंट बता रहा है आपको। तो दूसरा है देखो, हरी अप गो टू द रॉकेट। अब देखो जब परेशान हो जाते हैं तो इस तरह से लिखते, हरी अप जल्दी करो, गो गो टू द रॉकेट। तो एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि उनके पीछे वो क्रिएचर्स आ रहे थे, तो वो डर के मारे उसको बोल रहा जल्दी करो। तो ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे देखो दिस इज एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। एज इट एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस पे देखो ई एस लगा हुआ है आखिर में, एस लगाया है। इट एक्सप्रेसेस, जैसे थर्ड पर्सन के साथ बोला था एस लगाना है। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हियर इट इज यूज टू एक्सप्रेस अर्जेंसी, यहाँ पे क्यों एक्सप्रेस किया गया है, अर्जेंसी शो करने के लिए, जल्दी शो करने के लिए कि परेशानी हो जाएगी, जल्दी करने के लिए बोला गया है। अब देखो नेक्स्ट, देखो प्लीज गो टू द रॉकेट, प्लीज ब्रिंग मी योर पेन कॉपी, शो मी योर बुक, अपना किताब दिखाओ। देखो आप इस पे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्लीज गो टू द रॉकेट, दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, अब एग्जिस्टेंस हो गया। एज इट मेक्स ए रिक्वेस्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इंपरेटिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो यूज टू गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देने के लिए भी यूज करते हैं। शुड वी गो टू द रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शुड वी गो टू द रॉकेट, क्या हम रॉकेट की तरफ जाएं, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड इट एज इट मे आस्क ए क्वेश्चन, देखो इट आस्क थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हमने प्रेजेंट में बोला था एस बोल रहा है, तो क्योंकि ये प्रेजेंट अभी आपके साथ है तो इसलिए हम उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। आस्क ए क्वेश्चन, रीड दिस सेंटेंस, आप नीचे और एक सेंटेंस है, विल यू प्लीज हेल्प मी, ये इंटरोगेटिव में भी है लेकिन ये इंपरेटिव है क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है इंटरोगेटिव, शो शक्ल जो है इसका इंटरोगेटिव है लेकिन ये इंपरेटिव है, इसमें आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखो ऑल दो दिस सेंटेंस एंड्स, ये सेंटेंस एक ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं, एंड पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस क्यों लगा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन विद ए क्वेश्चन मार्क, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस बिकॉज द मेन पर्पज ऑफ दिस सेंटेंस इज, बिकॉज इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। आप देखो इसने खुद कहा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्यों है, बिकॉज द मेन पर्पज ऑफ दिस सेंटेंस इज टू मेक ए रिक्वेस्ट, इसका असली मकसद जो है वो रिक्वेस्ट करना है। सेंटेंस इज टू मेक ए रिक्वेस्ट एंड नॉट आस्क अबाउट समथिंग, ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में पूछना नहीं है। तो आपको नीचे दिया गया है रीड दिस सेंटेंस इज इन यूर आउन बुक, देखो री राइट, देखो इंपरेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा लिखे हैं, कौन लिखेगा, आपको बोल रहा है री राइट दिस सेंटेंस इज इन यूर नोटबुक, अपने नोटबुक में यूजिंग द इंस्ट्रक्शन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको देखकर लिखें। आपको ये टास्क मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ये क्लास दिया तो मैं तब आपको ये दूंगा, तब तक आप खुद देखोगे कि आपको समझ में आया है नहीं आया है, गलत होता है तो होने दो, आपको उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हम इस क्लास को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।